Hey guys, thanks a lot for tuning in and welcome back to my channel, The Hapiness Cocktail. So guys, I'm Devina and I make videos related to travel and lifestyle. So guys, मैं अपने पिछले वीडियो में आपको दिखाई थी थंजावुर का जो लग्जरी स्टे है स्वतमा, उसका एक्सपीरियंस कैसा था हमारा, तो उस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है. अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके ज़रूर देखिएगा, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड आज के मैं अपने वीडियो में दिखाने वाली हूँ थिंग्स टू डू इन थंजावुर. एंड या गाइज, सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन एज वेल. सो गाइज, विदाउट एनी further ado, let's get started to the video now. Hey guys, good morning and welcome to the Hapiness Cocktail. So guys, today's vlog I'll be going to cover Thanjavur. Thanjavur में क्या क्या कर सकते हैं. Thanjavur सबसे पहले तमिलनाडु में है और ये 400 किलोमीटर से फ्रॉम बेंगलोर से. सो हम लोग कल आ चुके हैं थंजावुर और हम लोग रुके हैं स्वतमा में, जो कि एक 5-स्टार होटल है. तो हम लोग एक्चुअली स्टे के लिए आए हैं, मतलब स्वतमा हम लोग को एक्सपीरियंस करना था कैसा है करके. 9:10 कुछ हो रहा है, अभी 9 बज रहा है. तो अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं. सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग को बताया गया है वहाँ होटल पे, एक्चुअली वहाँ बुक दी हुई है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपका क्या क्या है यहाँ पर कवर करने को. तो कुछ भी नहीं, 3-4 प्लेसेस हैं. तो एक जो सबसे पहले गंगोकोंडा चोलापुरम टेम्पल है, तो हम लोग अभी वहाँ के लिए निकले. ये सबसे ज़्यादा दूर है, तो ये 80 किलोमीटर था हमारे होटल से. तो हम लोग अभी 11-12 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे, तो वो सीन है. और ये लॉर्ड शिवा का है जो फाउंडेड है 1020 पे. मैं आज सारा हिस्ट्री पहुँच के बताती हूँ. और हम लोग फिर जाने वाले हैं बृद्धेश्वर टेम्पल और द रॉयल पैलेस ऑफ थंजौर. तो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग. सो फाइनली वी रीच टू द टेम्पल एंड लुक एट द व्यू. Car parking as well, where we parked our car, and 30 rupees the charges is. Look Bipin here and look at the temple. Fortunately the temperature here is quite good now, so let's go inside. So guys, this is how it looks, and that main temple. बृद्धेश्वर टेम्पल, ऑल्सो नोन एज गंगोईकोंडा चोलापुर टेम्पल, दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल इन द कंट्री. ग्रेट आर्किटेक्चर ऑफ द चोला डायनेस्टी एंड इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर एज वेल. इट इज़ मेड बाय राजेंद्र चोला, द राजा इटसेल्फ बिल्ट दिस टेम्पल टू मार्क हिज विक्ट्री ओवर द गंगाज रीजन एंड द पायला डायनेस्टी. Finally we reached to the temple. Hey guys, so we are in Thanjavur Palace, Thanjavur Palace / Museum.
we reached to Briddheshwar temple. I hope I'm pronouncing the name right, and it's so so huge temple, guys. Look at the view. Backside we have temple, we have to go there now. और जो हम लोग सुबह गए थे उससे भी बहुत बड़ा टेम्पल है, तो अगर आप थंजावर आ रहे हैं तो मेक श्योर यू कम हियर. इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज और नो डाउट इट्स अ वर्थ सीरियसली. बृद्धेश्वर टेम्पल और ऑल्सो नोन एज राजा राजेश्वरम टेम्पल, ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को और ये साउथ बैंक के कावरी में लोकेटेड है. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया. This temple is built by Tamil Raja Chola in between 2003 and 2010 AD. The temple is a part of UNESCO World Heritage Site known as the Great Living Chola Temples. So guys, I'll just add 2-3 important points if you are coming to Thanjavur. सबसे पहला बात तो ये ऐड करना चाहूँगा कि डोंट एक्सपेक्ट कि एकदम मतलब हाईवे जैसी रोड होगी. मतलब छोटी सिटी है और देयर विल बी सर्टन प्लेसेस विल बी देयर कि जहाँ पे आपका ड्राइविंग स्किल्स प्रॉपरली चेक हो जाएगा. एंड वेरी नैरो रोड्स. एट द सेम टाइम जो ब्रिज है तंजावुर का जो 2000 साल पुराना है, सो वेन यू क्रॉस दैट राइट वहाँ पे दैट इज़ अ वन वे एंड there will be police in the both the sides, so they guide like okay stop from this, then left side se gaadi aayegi and then they stop and then right side se gaadi aati hai. So that's how. So yehi cheeze pata hone se kya hota hai ki thoda sa ek mentally aadmi prepare hota hai. And Bangalore से जो थंजावुर का रोड है वो भी पूरा हाईवे नहीं है. आप ये बात कंसिडर करिएगा कि पूरा हाईवे जैसा रामेश्वरम और इसका था, क्या नाम है उसका, आउट ऑफ 400 किलोमीटर्स यू कैन एक्सपेक्ट दैट 50 किलोमीटर्स विल बी नॉट दैट मच गुड. तो थंजावुर में मतलब यहाँ का रोड मतलब पूरा वो नहीं है, हाईवे नहीं है. तो रोड अच्छे हैं लेकिन रोड पतले हैं थोड़ा ट्रैफिक भी मिलेगा. इट डिपेंड्स ऑकेशन, अगर लॉन्ग वीकेंड है तो मिलेगा, नहीं तो फिर आई डोंट थिंक सो मिलना चाहिए. और थंजावुर में हम लोग ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग स्वात्मा के लिए आए थे मेन, कि वो हम लोग को एक्सपीरियंस करना था कैसा है 5-star होटल. सो वो हमारा एक्सपीरियंस ऑलरेडी अप है मेरे चैनल पे, सो डू चेक इट आउट, लिंक विल बी देयर ऑन माय डिस्क्रिप्शन अगेन आई एम टेलिंग यू. एंड और थंजावुर में जो 3-4 प्लेसेस हैं, तो हम लोगों ने 3 प्लेसेस ऑलरेडी कवर कर लिया है क्योंकि हम लोग एग्जॉस्टेड हैं. सुबह हम लोग 8-9 बजे से निकले हैं, फिर 9 से निकले हैं और तो अभी इट्स अराउंड 5 o'clock, सो वी आर सो टायर्ड. अब हम लोग कहीं नहीं करना, हम लोग को वापस होटल जाके स्विमिंग पूल में डुबकी लगानी है, तो हमारा वही प्लान है. जितना भी मेन चीज़ था हम लोगों ने कंसिडर कर लिया. अगर आप चाहते हैं कि मतलब आपको टाइम कंस्ट्रेंट है, तो आई विल सजेस्ट कि डोंट गो टू दैट फार वाला प्लेस, जो क्या नाम था उनका, बहुत बड़ा अलग अलग नाम है, तो आई कांट एक्सप्लेन यू. सो हम लोग जो फर्स्ट कहते हैं ना, जो 80 किलोमीटर से ना, मैं नाम यहाँ लिख दूंगी, तो वो आप स्किप कर सकते हैं. इट्स नॉट दैट गुड. अगर टाइम है तो हाँ जरूर जाइए, बट बेटर देन दैट दिस टेम्पल विच वी वेंट नाउ. That temple तो ओ माय गॉड, बृद्धेश्वर टेम्पल, बृद्धेश्वर टेम्पल. हाँ, और दूसरा चीज है यहाँ का जो म्यूजियम है, रॉयल म्यूजियम है, रॉयल पैलेस, रॉयल म्यूजियम एक ही है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है. बर्थ विजिट वो आराम से टाइम लेके आराम से जाइए, तो वो आई विल टेल की दैट्स ऑल है ना. और सारी चीजें तो बस वही. और मतलब अगर आप रिलीजन के तरफ से जाएंगे राइट, सो देयर आर मोर देन 20 टेम्पल्स. नवग्रह है, नवग्रह के अलग अलग टेम्पल है. तो अगर आप उस तरीके से इंटरेस्टेड है, तो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स आर देयर व्हिच यू हैव टू कवर. बट हम लोग के पास थोड़ा टाइम भी कम था और मतलब उतना ज्यादा रिलीजियसली इंक्लाइंड नहीं है, सो वी आर लाइक वी जस्ट फोकस ऑन द मेन टॉपिक्स एंड जस्ट स्किप इट लाइक दैट. या थंजावुर मोर इनटू लाइक हिस्टोरिकल एज वेल एज टेंपल, मोर इनटू द टेंपल. द बेस्ट थिंग अबाउट द थंजावुर इज लाइक इन आज से समझ जाइए कि आप 1000 साल पहले, दैट्स व्हाट इट इज देयर. सो 1000 ईयर बैक whatever the temples they made, they still there, the dam is there, they still it is there, and it signifies that type of technology is what they use at the time. Because I was just comparing it with, you know, that Kalinga जो हम लोग गए थे, हम लोग का जो उड़ीसा भी लगा था, वहाँ के पत्थर उन्होंने अलग ही था, जो कोणार्क टेम्पल था, जो उसका पत्थर जो थे पानी के कारण जो थे काई लगने के कारण टूट रहे थे और they are not in the right shape.
but still here if you see right, I don't know whether they maintain it or, but it looks better. It still. और ये सब भी पुराना है. It's 2000 years old है ना, I think. No, it is 1000 years old. 1000 है क्या? That is something around 700 to 800 years old. Almost same only then. So बहुत सारी चीजें हैं. तो I don't know why like people don't know about this place. Like it's good if you are coming for it's more into the nature side also. And I'll end my vlog here only. If you find this video helpful, then please consider subscribing and don't forget to like, give this video a thumbs up. I'll see you on my next video. Till then, take care of yourselves. Bye bye. I love you all.